एकमात्र ऐसी महिला है जिनको कुश्ती में ओलंपिक में देश में मेडल मिला है, एकमात्र। और आज वो मेडल गंगा में बहाने को मजबूर है। आज वो साक्षी मलिक हर की पौड़ी पे बैठी है अपने मेडल बहाने के लिए, क्योंकि एक निरंकुश सरकार उनकी उनके साथी खिलाड़ियों की मांग नहीं सुनना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर यहां पर तमाम महिला खिलाड़ियों का समर्थन कर दिया। समर्थन में ये कह दिया कि आप अपने मेडल को प्रवाहित नहीं करेंगे, आप अपने मेडल को गंगा में नहीं फेंकेंगे। ये बात कह दी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रजभूषण शरण सिंह पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स में। दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार फिर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया का समर्थन कर दिया और ये कह दिया कि आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री अब मूक दर्शक बन चुके हैं। पहलवान अपने साहस को, अपने क्षमता को, अपने सम्मान को बहाने जा रहे हैं, इसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी ट्वीट नहीं किया। आखिर क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, आप खुद ही सुनिए। साक्षी मलिक एकमात्र ऐसी महिला है जिनको कुश्ती में ओलंपिक में देश में मेडल मिला है, एकमात्र। और आज वो मेडल गंगा में बहाने को मजबूर है। आप सब लोगों ने इन खिलाड़ियों को सराहा है, इनकी हौसला अफजाई करी है। सोचिए एक बार, मुझे अगर याद है तो वो दिन था 18 अगस्त 2016 का, वो दिन जब साक्षी मलिक जीती थी और जब वो उत्साह से तिरंगे में लिपटी हुई आंखों में खुशी के आंसू लिए अपने कोच के साथ खुशी मना रही थी। मेरे अभी भी बोलते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सब की शायद गले रूंद गए थे, हम सबका सिर और हमारा मान बढ़ाने का काम किया था साक्षी मलिक ने 18 अगस्त 2016। आज वो साक्षी मलिक हर की पौड़ी पे बैठी है अपने मेडल बहाने के लिए, क्योंकि एक निरंकुश सरकार उनकी उनके साथी खिलाड़ियों की मांग नहीं सुनना चाहती है। अगर यह समाज मुर्दा नहीं है, अगर इस सरकार की आत्मा मृत नहीं है, अगर प्रधानमंत्री तानाशाह और राजा नहीं बन चुका है, तो यह क्या है? तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर समर्थन किया है, साथ साथ जो है जो खिलाड़ी हैं उनको ये बात बताई है कि आप लोग जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। लेकिन दर्शकों, सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मूक दर्शक बने हुए हैं। बात मेडल को प्रवाहित करने तक आ गई, बात यहाँ पर जो है इस आमरण अनशन तक आ गई, इसके बावजूद भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के आप कोई भी सबूत नहीं मिले। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स।